सो वेलकम गाइज, मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग कैसे करना है, फोटो में येलो टोन कैसे डालना है, पूरा आसान तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। विदाउट प्रीसेट यूज करके मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग कैसे करना है, कितना अच्छे से एडिटिंग हुआ है। अभी चलिए शुरू करते। ओके गाइज, स्नैपसीट एप्लीकेशन पहले ओपन करना है, फिर जाएंगे इधर जो पेंसिल वाला आइकन दिया है, फिर अभी क्या जाएंगे, किधर जाएंगे ना, इधर जो लिखा हुआ है ट्यून इमेज, इसका ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद ब्राइटनेस को रखेंगे माइनस में, ठीक है, 50 तक रखेंगे, और कंट्रास्ट को 40 तक, ठीक है, और अभी रखेंगे सेचुरेशन को ज़्यादा रखेंगे 70 तक, और इसको इतना, और हाईलाइट को माइनस में रखेंगे, ठीक है, और इसको भी कुछ इस तरह का रखना है, कम करके रखना है, ठीक है। ये होने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर जो दिया है टिक वाला ऑप्शन, इसका ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर ऊपर जो टूल दिया है, मैं दिखा रहा हूँ अभी, इधर जो दिया है इसका ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद इधर जो लिखा हुआ है व्यू एडिट, इसका ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, अभी हो गया। इधर जाएंगे अभी ट्यून इमेज, ये जो राइट में लिखा है इसका ऊपर क्लिक करना है, फिर अभी जाएंगे ये जो मिडिल पे है ये वाला, इसका ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, पूरा फेस में अभी जो ग्रीन वाला जितना भी सेचुरेशन वगैरह डाला था, इधर इसका ऊपर क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, कुछ इस तरह का इसको पूरा बॉडी से निकालेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड कर दिया हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, देख सकते हो गाइज कितने अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और इसका आगे मैं क्या करना है मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग को बढ़ाना है, जैसे मैं अभी 100 करके कलर ऐड किया, और माइनस इधर 0 करके इरेज करना है, ठीक है, कुछ इस तरह का ही करना है। अभी गाइज हो गया। अभी क्या करेंगे ना, इधर जो टिक वाला ऑप्शन दिया है इसका ऊपर क्लिक करना है। अभी इधर भी हो गया, इधर जो बैक वाला दिया है इधर, इसका ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अभी होने के बाद फिर से जाएंगे वही टूल वाला ऑप्शन पे, जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर जो लिखा हुआ है डिटेल्स, इसका ऊपर अभी क्लिक करना है। यह करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इसको 60 तक रखेंगे, ठीक है, और इधर जो टिक दिया है टिक का ऊपर क्लिक करना है, हो गया। फिर से जाएंगे अभी वही एडिट वेल पेंसिल वेल आइकन पे, जाने के बाद इधर जो नीचे दिया है मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसका ऊपर अभी क्लिक करना है, ठीक है, इसके ऊपर। करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, मैं इसको भी जितना रख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए कितना चाहिए, मैं वही हिसाब से रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद इधर भी टिक करना है, ठीक है। अभी फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। अभी क्या करेंगे ना, ऊपर जो दिया है ये वाला टूल कर्व्स लिखा है, इसका ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसका जो तीनों कलर सेम इतना ही रखना है, ग्राफ को ग्रीन को इतना, ब्लू को उतना रखना है, ठीक है, देख सकते हो मैं भी उतना रखा हूँ। अभी हो गया। होने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हो गया। अभी क्या करेंगे ना, फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला, जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, अभी इधर जो लिखा हुआ है, इसका ऊपर अभी क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, ये टूल जो दिया है इसका ऊपर क्लिक करेंगे ब्लैक का, ठीक है। करने के बाद क्या करेंगे ना, इधर अभी जो दिया है टिक वाला, टिक का ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अभी फिर से ब्लैक थोड़ा सा हटाएंगे तो फिर इसका ऊपर क्लिक करना है, फिर इधर जो दिया है व्यू एडिट, इसका ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद सेम प्रोसेस जो पहले बताया था, अभी इधर भी उसे करना है, इसका ऊपर क्लिक करना है, फिर इधर अभी बीच वाला जो ऑप्शन, इसका ऊपर क्लिक करना है,
फिर इधर जो लेफ्ट में दिया है इसका पूरा क्लिक करके जितना चाहिए आप लोग को प्लस या माइनस में करके कुछ इस तरह का मैं जैसे ड्रा कर रहा हूँ ऐसे ही ड्रा करना है। ठीक है, तो गाइस इधर ये भी हो गया। अभी इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी करने के बाद क्या करेंगे ना, अभी इधर बैक जाएंगे। ठीक है, अभी इधर देख सकते हो पूरा कलर चेंज हो गया है। अभी फिर से जाएंगे, अभी क्या करेंगे ना, इसको सेव करेंगे। गाइस इधर स्नैपशीट का काम ख़त्म हो गया। अभी इधर ये जो डाउनलोड फोटो जो एडिट हुआ है वो सेव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे ना, लाइटरूम एप्लीकेशन पे फोटो को शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करने के बाद मैं बता रहा हूँ अभी क्या करेंगे ना, इधर जो टूल दिया है इसका ऊपर क्लिक करेंगे, इसका भी कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इधर जो दिया है ब्लैक इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, नेक्स्ट टूल पर जाएंगे। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट टूल हम लोग का। अभी क्या करेंगे ना, इधर जो लिखा है बीच जो राउंड दिया है इसका ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अभी क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा माइनस और इसको प्लस। ठीक है, और इसका अभी इधर जो दिया है फेस को थोड़ा व्हाइट करने के लिए अभी इसका ऊपर जाएंगे ये वाला कलर पे। ठीक है, ये अभी हो गया, इतना रखेंगे। ठीक है, अभी येलो ओ बैकग्राउंड का अभी कलर चेंज करना है, तो ये तीनों येलो ग्रीन एंड ब्लू ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी देख सकते हो गाइज ये है मेन टूल, कितना अच्छे से येलो टोन हो गया फोटो में। ठीक है, आप लोग को जितना चाहिए, अभी देखो कितना हो गया था, मैं थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, कितना अभी अच्छा लग रहा है, मैं जितना भी रख रहा हूँ आप लोग उतना ही रखिए। ठीक है, हो गया। अभी ये होने के बाद क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वाला टूल पे जाएंगे, इधर जो दिया है नीचे वाला किधर, यहाँ ये इसको थोड़ा सा कम करेंगे। करने के बाद क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जाएंगे नेक्स्ट वाला टूल पे, इसका जो इधर दिया है कलर नॉइस इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इससे क्या होता है ना, फेस पूरा फेस पूरा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो गाइज अभी हम लोग का एडिटिंग पूरा ख़त्म हो गया है। देख सकते हो कितना खराब एडिटिंग था, अभी कितना अच्छे से एडिटिंग हो गया है, येलो टोन हो गया है पूरा फोटो में। और ये वाला ट्रिक आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नया नया एडिटिंग आप लोग के लिए लेके आऊँगा। आप लोग को कौन सा एडिटिंग चाहिए और कैसा एडिटिंग चाहिए मेरे को कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और आप लोगों को कुछ एडिटिंग रिलेटेड बातें तो फेसबुक पे आ जाइए। थैंक यू।